मुझे कुछ अलग करना है, कुछ हटके, कुछ ऐसा जिससे मेरा नाम हो जाए, मैं फेमस हो जाऊं। हाय, मैं हूं राहुल। तो कई लोग और कई बच्चे मुझसे यही सवाल करते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा नाम हो जाए। तो काफ़ी लोग अपनी हायर स्टडीज़ की तैयारी में लगे पड़े होंगे, तो इस बात को ध्यान से सुनना। तो कुछ अलग, तो बताओ ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि तुम कुछ अलग करना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर तो बिल्कुल नहीं, काफ़ी कॉमन हो चुका है ना। तो मुझे बताओ, अगर हर कोई ऐसा सोचने लगा तो भाई हमारा इलाज कौन करेगा? टेक्नोलॉजी कौन निकालेगा? मशीनरीज कौन निकालेगा? x² - y² = क्या भाई? मुझे क्या लेना देना, मेरी ज़िंदगी से इसका क्या लेना देना? किसी क्वांटम फिजिशियन को पूछना, वो आपको बताएगा इसका क्या मतलब होता है और ये कितने अहम है, वो बताएगा, और जो आपको समझ नहीं आएगा। सो प्लीज़ डोंट डीमीन एनी काइंड ऑफ पर्सन और अ प्रोफेशनल। कुछ हटके करने के लिए पहले जो नॉर्मल है वो तो ढंग से कर लो। पता चले तुमसे नॉर्मल चीज़ें ही एबनॉर्मली हो रही है, तो सोचो कुछ हटके करने में कितनी जान जाएगी। और वैसे भी हमारे कंट्री का प्रॉब्लम ये है कि हमें स्टडीज़ के अलावा किसी और प्रोफेशन के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं। हमें ज़िंदगी में करना क्या है वो हमें ग्रेजुएशन के बाद पता चलता है। हाँ तो ठीक है, वैसे भी कौन सा कमाल कर रहे हो, सोच ही तो रहे हो कि करना क्या है। अगर पता होता तो सोच नहीं रहे होते, कर चुके होते या फिर कर रहे होते। और रहा सवाल करियर ऑन डिजिटल मीडिया का, यस इट्स बूमिंग, ऑफ कोर्स यू शुड बी देयर, बट नॉट इमोशनली, प्रैक्टिकली। पहले एक स्टेबलाइज सोर्स ऑफ इनकम तैयार कीजिए और फिर उसे यूज़ कीजिए आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए या फिर आपकी क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए। दिस माइट हेल्प, यस ऑफ कोर्स। देखा ना टिकटॉक का क्या हुआ, कल किसी और सोशल मीडिया साइट के साथ ऐसा हो जाए। सो बी वेरी केयरफुल, थिंक प्रैक्टिकली नॉट इमोशनली। डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू, बट वॉट इफ यू डोंट नो वॉट यू लव? आई से डू वॉट एवर अंटिल यू फाइंड योर लव, एंड समडे इन दैट एंटायर प्रोसेस यू डेफिनेटली विल। एंड नेवर डिमीन एनी प्रोफेशनल, रिस्पेक्ट देम, दे आर देयर बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेस। इट्स अ विशियस साइकिल, अगर वो नहीं होते तो शायद हमारे लिए कुछ चीज़ें आसान नहीं होती। तो या रिस्पेक्ट। अच्छा चलो, वो हीरो कहता है ना, उसी की मान लो। कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो, ट्रेन योर ब्रेन फर्स्ट देन फॉलो योर हार्ट। टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू हैव टू फेस ऑर्डिनरी। ऑल द बेस्ट। और हाँ, x² - y² = x + y, x - y। Yeah!